हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का नवीन आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की आज साइंस की क्लास है। साइंस में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। सभी बच्चे लाइव आए, देखिए ये क्वेश्चन वो हैं जो पहले रेलवे में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। पूछ रहा है में प्रतिरक्षी बनते हैं, किस में प्रतिरक्षी बनते हैं ये पूछ रहा है। आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है भाई। चलिए सभी बच्चे लाइव आए और आंसर भी दे सकते हो अपनी राय के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को लगता है कि सही है वो आंसर भी आप लोग जो है दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए आप लोगों को मिल जाता है, लाल अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर बी है प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी यकृत यानी लीवर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी है लसीका। देखिए अगर हम प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी लाल अस्थि मज्जा में नहीं बनते हैं, प्लीहा की बात करें तो प्लीहा में भी नहीं बनते। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, लीवर और लसीका। तो लीवर में भी आप लोगों का अस्थि मज्जा नहीं बनता है, आपका जो प्रतिरक्षी जो बनता है वो आपका किस में बनता है, लसीका में बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, प्रतिरक्षी हमेशा किस में बनते हैं बच्चा, आपका लसीका में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आइएगा, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, तंत्र द्वारा किस तंत्र के द्वारा जो है हार्मोन जो है जो हार्मोन है वो बैलेंस होते हैं, नियंत्रित होते हैं यानी कंट्रोल होते हैं, तो किस तंत्रिका तंत्र द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, किस तंत्र द्वारा होते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन नंबर बी परिसंचारी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रतिरक्षक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है प्रजनन तंत्र। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी कोलकाता लोको पायलट परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है भाई। तो मानव शरीर में किस तंत्र द्वारा जो हार्मोन नियंत्रित, हार्मोन की अगर नियंत्रित करने की बात करें तो वो होते हैं आपके अंतःस्रावी तंत्र में। अंतःस्रावी जो तंत्र होता है वो क्या करता है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है, ना कि परिसंचारी तंत्र होगा, ना ही आपका प्रतिरक्षक तंत्र होगा, ना ही प्रजनन तंत्र होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट होगा। क्लियर है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आइएगा, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है आप लोगों के। और देखिए मैंने जो क्लास आप लोगों के लिए जो क्लास है इसमें 5 क्वेश्चन बायो के हैं, 5 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री के हैं और 5 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स से हैं। मैंने इक्वल रेशो में यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, 5-5 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो मादा हार्मोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है फेमिनोजन। आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन आपको अलग दिखाई दे रहे होंगे इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन ये है भाई, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हार्मोन है इनमें से जिसे मादा हार्मोन भी कहा जाता है, कौन सा हार्मोन है।
देखिए जो एस्ट्रोजन है ना, वो हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, इसीलिए हम एस्ट्रोजन को जो है मादा हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन को हम क्या बोलते हैं? मादा हार्मोन। ये आपका मादा हार्मोन है। यहाँ पे पूछ रहा है ना आपका कौन सा हार्मोन है जिसे मादा हार्मोन कहा जाता है, तो एस्ट्रोजन जो आपका है ये आपका मादा हार्मोन कहलाता है। मादा हार्मोन कौन सा है आपका? एस्ट्रोजन। ये आपका महिलाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगर हम टेस्ट्रोजन की बात करें तो ये जो है आप लोगों का जो पाया जाता है, ये जो हार्मोन होता है ये पुरुषों में होता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये तो आपका महिलाओं में होता है, किस में? महिलाओं में, महिलाओं में होता है बच्चा। ये आपका कहाँ होता है? ये वाला हार्मोन आपका पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। तो यहां आपका जो एस्ट्रोजन है वो आपका मादा हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चर्बी को हजम करने में जो पित्त दरु सहायता करता है या स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? किससे स्रावित होता है? जो चर्बी को हजम करने में जो पित्त दरु सहायता करता है तो वो किससे स्रावित होता है? कैस श्लेष्मा से, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी पेट से, अग्नाशय से, या जिगर से। आरआरबी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है ये भी। तो पित्त यकृत में स्रावित होता है, हमेशा ध्यान रखिए, और पित्ताशय में जो है स्टोर होता है। पित्त लीवर में स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है, और पित्ताशय में जो है स्टोर होता है। पित्त की अगर हम बात करें ना, तो लीवर से स्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय में आपका स्टोर होता है जबकि आपका लीवर से स्रावित होता है। तो लीवर मतलब ये कह रहा ना, चर्बी को हजम करने वाला पित्त दरु सहायता करता है, वह स्रावित होता है किससे? जिगर से होता है बच्चा, जिगर से। जिगर से मतलब आपका लीवर से, लीवर से। और ये स्टोर कहाँ होता है? आपका स्टोर होता है पित्ताशय में। लीवर से तो स्रावित होता है और आपका स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अम्ल का स्वाद बताना है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल खाने में कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, क्या मीठा होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है, या तीखा होता है। देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, इन सब का स्वाद कैसा होता है बच्चा? इन सब का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, खट्टा होता है। सारे के सारे अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, और इनके पीएच वैल्यू की बात करें तो हम 1 से लेके 7 तक होती है, 1 से लेके 7 तक इनकी पीएच वैल्यू होती है। आपका स्वाद आपका खट्टा होता है, ये आपको पता लग गया। अम्लों का स्वाद हमेशा कैसा होता है? खट्टा होता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो 1 से लेके 7 तक। ये आपका पीएच, इस पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, पीएच पीएच मान, पीएच मान की बात करें तो ये किसके लिए है? अम्लों के लिए। ये किसके लिए है? अम्लों के लिए, अम्लों के लिए। और अगर हम बात करें क्षार की, तो जो होता है आपका 7 पे आपके उदासीन होता है, 7 पे आपका क्या होता है? आपका
उदासीन होता है। ये किसका होता है? पानी का होता है। पानी साधारण जल जो होता है आपका, उसका। और उसके बाद आता है आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 तक होता है। ये किसके लिए होता है? आपका अक्षार के लिए होता है। ये आपका जो पीएच वैल्यू है, ये आपका पीएच जो मान है, ये किसके लिए है बच्चा? ये क्षार के लिए है, क्षार के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चा नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स से है। अब देखा 5 क्वेश्चन आप लोगों के बायोलॉजी से, अब आप लोगों के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है। 15 फीट प्रति सेकंड की गति मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी ये बताना है, कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी ये निकालना है यहाँ से। देखिए 1 फिट की बात करें तो क्या होता है आपका, 1 फिट की अगर मैं बात करूं तो 1 फिट जो आपका बराबर होगा वो होता है आपका 0.3048 मीटर। मीटर ये इसके बराबर होता है। क्लियर है? 1 फिट बराबर आपका कितना होता है? 0.3048 मीटर। अब यहाँ से अगर 15 फिट प्रति सेकंड की बात करें, 15 फिट प्रति सेकंड की बात करें, कितने की बात करें? 15 फिट प्रति सेकंड, यानी बटे में क्या है आपका? सेकंड। तो आपका कितना हो जाएगा ये? 15 × 30, 0.3048 कौन आपका सेकंड। क्लियर है? तो ये कितना आएगा? 4.57 आना चाहिए, 4.57, 4.57 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसके इक्वल आएगा ये कैलकुलेशन अगर हम करके देखें तो 4.57 आता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 1 फिट में आपका 0.3048 मीटर है, तो 1 फिट में जब आपका 0.340 मीटर है तो 15 फिट में कितना हो जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, बटे में आपका सेकंड है, तो 4.57 आपका सही आंसर निकल के आता है। ये RRB अहमदाबाद परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात बताना है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात यहां से बताना है।
पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी होगी बच्चा वो कितना होगी, एच प्लस एच आपका कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, पिंड द्वारा तय की गई बराबर आपकी होगी h प्लस एच, यानी आपकी कितनी होगी 2h। क्लियर है? जबकि उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, वो जीरो होगा। विस्थापन कितना होगा, उसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन तो शून्य होगा, ठीक है। अब दोनों का रेशो पूछ रहा है, कह रहा है ना किसी पिंड, कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो एक बार तो h ऊंचाई तक चला गया, मान लिया ये पिंड था, यहां से धरातल से फेंक दिया गया, यहां से पिंड ऊपर की तरफ फेंका गया, तो h ऊंचाई तक तो ये गया, ये ऊंचाई कितनी है आपकी, ये ऊंचाई आपकी है h। अब यहां से फिर दोबारा से वो वापस आ रहा है, यहां तक जाने के बाद फिर वो वापस आ रहा है, तो जब वो वापस आ रहा है एक बार तो वो ऊपर जा रहा था फिर वो वापस आ रहा है वहां से, तो ऊंचाई फिर h कवर करता है, तो h प्लस h कितना होगा 2h, और विस्थापन आपका कितना है जीरो है, विस्थापन आपका जीरो है क्योंकि पिंड यहां से चला फिर वापस आ गया, आपका विस्थापन जीरो है। तो दोनों का रेशो कितना होगा, अनुपात कितना होगा दोनों का, अगर अनुपात की बात करें हम, अनुपात कितना होगा 2h बटे जीरो, और 2h बटे से जीरो अगर जीरो किसी संख्या के बटे में आता है तो वो आपका क्या आता है, इनफाइनाइट अनंत आता है आपका, अनंत जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ से, राइट, डी आपका राइट होगा। क्लियर है? अनंत इनफाइनाइट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? देखिए कह रहा है ना कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, v वेग के साथ इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद, ऊंचाई h तक गया ये, यहां तक गया, ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद फिर बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, फिर से पृथ्वी की ओर वापस आ रहा है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, भाई एक तो दूरी ये होगी h तय करी इसने, फिर वापस आते समय भी h दूरी तय करी, तो h प्लस h कितना हो गया 2h, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, विस्थापन कितना होगा क्योंकि पिंड यहां से फेंका था और फिर वापस आके यहीं पे गिर जाता है पृथ्वी के धरातल पे, तो h प्लस h इक्वल टू 2h, 2h दोनों का रेशो पूछ रहा है विस्थापन और दूरी का, तो 2h बटे 0 आपका, अगर किसी संख्या के बटे में 0 आता है तो उसका मान आता है आपका अनंत, अनंत जिसे आप गिन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिरे को लक्ष्य करके गोली चलाता है, गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, वैसी दशा में गोली, क्या कंडीशन होगी, इनमें से चार कंडीशन दी है, बंदर के सिर को छेद कर देगी, ऑप्शन नंबर डी बी दे रखा है, बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। आरआरबी चंडीगढ़ ईएसएम परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है ये भी। देखिए कोई शिकारी है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन को, कोई शिकारी है वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, शायद क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा,
चलिए अब देखिए, कह रहा है एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिरे को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, उसी समय बंदर कूद जाता है, तो वैसी दशा में गोली क्या करेगी? क्या बंदर के सिर को छेद कर देगी, बंदर के सिर को ऊपर से चली जाएगी, बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी, बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। अब देखिएगा, जो इसका अगर हम बात करें गुरुत्वीय जो बल है, जो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वीय बल लगता है, वो गोली पे भी लगेगा और बंदर पे भी लगेगा, क्योंकि बंदर भी उसी समय कूद जाता है। तो जी की जो वैल्यू होगी दोनों पे लगेगी, यानी गुरुत्वीय बल दोनों पे काम करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, वो सेम टाइम पे गोली चली तो बंदर बच नहीं पाएगा, बंदर के सिर को वो क्या कर देगी, छेद कर देगी, क्योंकि जी दोनों पे लग रहा है। तो एक तरीके से जितना गोली नीचे झुकेगी इतना ही बंदर नीचे झुकेगा, क्योंकि जी दोनों पे काम कर रहा है, इसलिए बंदर के सिर को गोली क्या कर देगी, छेद कर देगी। क्योंकि गोली बंदर के सिर को जो है छेद तभी करेगी जब दोनों एक दूसरे से जो है एक टाइम पे हो, और छूटने के पश्चात क्या होगा, गोली और जो बंदर होगा वो समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी दोनों पे कार्य कर रहा है। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या कंडीशन होगी? कार ठहरने के पूर्व एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या कंडीशन होगी भाई, इनमें से ये बताना है। देखिए ट्रक तथा जो कार है वो समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या कंडीशन होगी? कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका डी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। देखिए दोनों ही ठहरने के पूर्व समान दूरी तय करेंगे, बिल्कुल सही कंडीशन है, दोनों ही जो है ठहरने के पूर्व समान दूरी तय करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि ट्रक और जो कार है दोनों समान गतिज ऊर्जा है, दोनों की तो दोनों एक समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उन्हें जो रोकने के लिए समान ही बल लगाएंगे, इसलिए दोनों ही ठहरने के जो पहले हैं
एक समान दूरी तय करेंगे दोनों, ट्रक तथा जो कार है एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 10^-2 किलोग्राम की गोली 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से फायर की जाती है, गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो बंदूक का संवेग किसके बराबर होगा, गोली के संवेग के। बंदूक का जो संवेग है वो किसके बराबर होगा, बंदूक का संवेग किसके बराबर होगा, गोली के संवेग के बराबर होगा। बंदूक का गोली के संवेग के, क्लियर है? संवेग संरक्षण के नियम से बंदूक का जो संवेग है वो गोली के संवेग के बराबर होगा, यानी कि बंदूक का संवेग कितना होगा, अगर हम बंदूक का संवेग वेग वी मान ले तो 5 गुना वी कितना होगा, 5 गुना वी कितना होगा बच्चा, 5 गुना वी बराबर गोली का संवेग कितना होगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान कितना है, 10^-2 × 500, 10^-2 × 500, क्लियर है? और v की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, v बराबर 10^-2 × 500 / 5, ये आपका 100 आ गया, कितना आ जाएगा, 10^-2 से कैंसिल यानी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? अब बंदूक की जो गतिज ऊर्जा है वो कितना होगी, बंदूक की जो गतिज ऊर्जा है, अगर बंदूक की गतिज ऊर्जा की बात करें (1/2 mv²), क्लियर है? फॉर्मूला यही होता है भाई, 1/2 mv²। m की वैल्यू कितनी है, 5, v की वैल्यू कितनी है, 1, गुणा 1 यानी आपका 2.5 आ जाएगी, क्लियर है? 2.5 आ जाएगी भाई। और गोली की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv². अब गोली की गतिज ऊर्जा देखिएगा यहां से, गोली की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², m की वैल्यू देखिएगा कितनी है यहां पे, 10^-2 × 500, 2 से इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
वन बटे हंड्रेड गुणा 250, 250, जीरो से जीरो कैंसिल, दो पंजे दस, पाँच दूनी दस, पाँच से काट दे, पाँच दूनी दस और पंजे पंजे 25, यानी वो आपका ये आ जाएगा 2.5। क्लियर है? m2² यानी 500 भी है ना इसमें, 500 500 भी है, 500 गुणा 500 करेंगे ना m2², तो आपका कितना आ जाएगा ये, आ जाएगा आपका 1250। क्लियर है? 1250 आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोनों गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो 1250 बटे 2.5, 1250 बटे 2.5। क्लियर है? यही तो निकालना है मुझे। तो कितना देगा अगर हम देखें, 0.5 गुना 10^3 लिख सकते हैं ऐसे, 0.5 गुना 10^3 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल इसके इक्वल आएगा ये। कैसे आएगा देख सकते हो एक बार, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक का संवेग हमने यहाँ पे, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान 5 है गुणा वी इक्वल टू 10^-2 गुणा 500। वी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, 1 आ गई आपकी गतिज ऊर्जा, आपकी बंदूक की जो आएगी 1/2 m2² m की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी आपकी 2.5 पा आएगा आ गया यहाँ से। अब इसके बाद गोली की जो गतिज ऊर्जा है वो हमने निकाल ली 1250, दोनों को डिवाइड किया तो ये इसके इक्वल आ सकता है। इक्वल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई है? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा कण अस्थाई है ये बताना है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ की हम बात करें तो अस्थाई मूल कण है ये। तो क्या है आपका, अस्थाई पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो अस्थाई कण है, अस्थाई मूल कण है, लेकिन अगर न्यूट्रॉनों एंटी न्यूट्रॉनों की बात करें, हमेशा उनकी बात करें तो ये अस्थाई कण है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें तो आपके कैसे कण हैं, ये आपके अस्थाई कण हैं। कैसे हैं? अस्थाई कण, अस्थाई मूल कण इनको बोला जाता है, अस्थाई मूल कण। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉनों एंटी न्यूट्रॉनों, हमेशोन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रॉनों मेशोन, ये आपके कैसे कण हैं? ये आपके कैसे कण हैं? ये आपके अस्थाई कण हैं। अस्थाई कण है, तो अस्थाई कण में यहाँ क्या है आपका, न्यूट्रॉनो है, न्यूट्रॉनो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्लियर है?
ये भी आपका आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2002 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 12, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभाव्य यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक की, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभव यूनिट क्या है ये पूछ रहा है। तो रासायनिक यौगिक क्या होता है आपका? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व जो होते हैं क्या रासायनिक रूप से क्या हो संयोजित होकर क्या बनाते हैं? यौगिक के अणु बनाते हैं। तो अणु आपका सही होगा, अणु आपका सही होगा। यहाँ से देखिए अणु क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रोजन है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन H2, H2 क्या है आपका? अणु है, अणु है। और H की बात करें तो आपका क्या है बच्चा? ये आपका परमाणु है। क्लियर है? H2 आपका अणु है, H आपका परमाणु है। तो अणु यहाँ पे सही आंसर है। रासायनिक यौगिक की सबसे, यौगिक की पूछा था तो यौगिक की सबसे छोटी संभाव्य यूनिट, तो यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या होता है आपका? जल जो होता है आपका यौगिक होता है। और इस यौगिक में अणु की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, H2 क्या है आपका? H2 मैंने अभी बताया आपका अणु है बच्चा। ये क्या है आपका? जल क्या है? यौगिक है एक तरीके से। क्लियर है? ये भी आरआरबी मुंबई परीक्षा 2006 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उपरोक्त सभी? देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, और ये न्यूक्लोन कहलाते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए आपका कह रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया में निम्न निम्न में से प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है आपका? इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। यहाँ क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? बाहर चक्कर लगाते रहे, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आपके बाहर चक्कर लगाते रहते। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित आपका ना तो प्रोटॉन होता है ना न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है तो इलेक्ट्रॉन आपका प्रभावित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च है, उसका दीर्घ आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता। क्योंकि इसका क्या होता है? दीर्घ आघूर्ण अधिक होता है। दीर्घ आघूर्ण क्या होता है इसका? अधिक होता है पानी का, इसलिए क्या है ये? सुविलायक है। क्लियर है? दीर्घ आघूर्ण क्या होता है पानी का? अधिक होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए रोलर बेयरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। रोलर बेयरिंग को क्या करना है? लुब्रिकेशन करना है, तो उसके लिए किस लुब्रिकेंट की आवश्यकता होगी? क्या अर्ध ठोस, ठोस, दारू या इनमें से कोई नहीं? आरआरबी रांची परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। तो इनमें से हम किस लुब्रिकेंट को यूज करेंगे बच्चा? हम करेंगे अर्ध ठोस। अर्ध ठोस आपका क्या होता है? जैसे आपका ग्रीस होता है, ग्रीस होता है, तो ग्रीस का यूज करते हैं आपका। देखिए लुब्रिकेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है आपका। सॉलिड आपका जैसे आपका जो है ग्रेफाइट होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड की बात करें तो ऑयल वगैरह जितने भी आते हैं आपके लिक्विड में आते हैं। और इसके अलावा आपका सेमी सॉलिड जो होता है आपका, वो आपका अर्ध ठोस बोलते हैं हिंदी में, जैसे ग्रीस होता है आपका, वो सेमी सॉलिड में आता है। क्लियर है बच्चा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो ये थे आज वाली वीडियो के आप लोगों के 15 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक